हेलो बच्चियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 के साखी पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसको कबीर दास जी ने लिखा है। आइए पहले जान लेते हैं साखी का अर्थ क्या होता है। तो साखी का अर्थ होता है सत्य को प्रकट करने वाला। जो भी शब्द है साक्ष्य के साथ सत्य को प्रकट करता है, उसे हम साखी कहते हैं। साखी संस्कृत भाषा के साक्षी शब्द से निकला हुआ है, जो धर्म के उपदेश को प्रयुक्त करता है, उसके अर्थ को प्रकट करता है। और जो कबीर दास हैं, वो तीन रचनाएं अपने प्रस्तुत किए, साखी शब्द रमायणी। चूंकि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो भी बात उन्होंने कही है उस बात को हम आज भी गौर करते हैं तो उस बात में सच्चाई प्रकट होती है। उन्होंने निर्गुण ब्रह्मा जो है उनका वर्णन किया है, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे कबीरदास जी। आइए उनके कुछ जो दोहे हैं साखी से संबंधित उसको हम देख लेते हैं। बलिहारी गुरु आपड़ो धौहाड़ी के बार, जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। कबीर दास जी कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु के ऊपर दिन भर में कितने बार न्यौछावर हूँ। यानी बलिहारी गुरु आपड़ो, मैं अपने गुरु के ऊपर, बलिहारी होना यानी न्यौछावर होना, कितने बार न्यौछावर हूँ। घौहाड़ी, घौहाड़ी मीन्स होता है दिन में कितने बार अपने गुरु के ऊपर मैं न्यौछावर हूँ। जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार, जिन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में मुझे तनिक भी देरी नहीं की। मनुष्य से देवता यानी जो गुरु होता है वो इंसान को देवता कब बनाता है, जब उसके अंदर जो देवता के गुण होते हैं, जो देवता के अंदर सच्चाई वाले गुण हैं, सात्विक गुण हैं, जब मनुष्य के अंदर भर जाएंगे तो वो देवता के समान हो जाता है। तो इसका विकास करने वाला कौन है, तो गुरु है। गुरु है, इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु के ऊपर कितने बार बलिहारी जाऊं, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देरी नहीं की। अगला है, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। कह रहे हैं कि मेरे जो सतगुरु हैं, जो मेरे गुरु हैं, सत्य गुरु मानते हैं निर्गुण ब्रह्म को, तो वो मेरे ऊपर अनंत उपकार किए हैं। उनकी महिमा भी अनंत है, उनकी महिमा का गुणगान करना, बखान करना मेरे बस की चीज़ नहीं है। और उन्होंने मेरे ऊपर अनंत उपकार किए हैं, लोचन अनंत उघाड़ या अनंत दिखावड़हार। और मेरे जो नेत्र हैं, नेत्र के द्वार उन्होंने खोल दिया। किस बारे में खोला, सत्य के बारे में खोला। काम क्रोध लोभ मोह जो भी है उसका उन्होंने मुझे अनंत तक दर्शन करा दिया, अनंत दिखावड़हार, उसका अनंत तक दर्शन करा दिया जिसका कोई अंत नहीं है। और अपने गुरु की महानता का भी दर्शन मुझे करा दिया। उस गुरु की मैं महिमा का कहाँ तक बखान करूं। दीपक दिया तेल भरी पाती दई अघट। कह रहे हैं कबीर दास जी कि गुरु ने दीपक दिया यानी जो मेरा शरीर है, दीपक रूपी शरीर है, उसमें उन्होंने ज्ञान रूपी तेल को भर दिया है। कबीर दास जी ने क्या किया है, मेरे दीपक रूपी शरीर में ज्ञान रूपी तेल को भर दिया है। बाती दई अघट, और चिंतन रूपी बाती जो कभी न घटने वाली बाती है, चिंतन रूपी उस बाती को उसमें डाल दिया है, पूरा किया बिछावड़ा। और इस संसार में जो भी चीज़ है, जिस बारे में भी ज्ञान प्राप्त करना है, उसका उन्होंने मुझे ज्ञान करा दिया है। यानी उस बाजार में मुझे पहुंचा दिया है कि तुम इस बाजार में जो भी माया जाल है उस माया जाल का ज्ञान
प्राप्त कर लो, बहु ऋण आओ हट, फिर दोबारा इस संसार में जन्म लेकर के नहीं आना। अगला है, बूढ़े ते पर उबरे गुरु की लहर चमक। कह रहे कबीर दास जी कि मैं तो बूढ़ गया था, इस मोह माया भरे संसार में डूब गया था, पर गुरु की लहर ही देख करके, गुरु का ज्ञान जब मुझे मिला तो मैं इस संसार में मोह माया के संसार से उबर गया, यानी ऊपर हो गया। भेरा देखा जर्जरा, और मैंने देखा कि मैं जिस नाव पर सवार हूँ वो नाव तो बहुत ही जर्जर है, कभी भी डूब सकती है, कभी भी टूट सकती है, उतरी पड़े फरंक। इसलिए मैं जल्दी से उस नाव पर से उतर करके और गुरु के साथ संलग्न हो गया, यानी गुरु की बातों में लीन हो गया। कहने का मतलब है कि जिस शरीर को लेकर के घेरा देखिया जर्जरा, इसका मतलब है कि जो हमारा शरीर है वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। इसलिए मैंने उसका ध्यान न दे करके, उसके मोह माया में न पड़ करके, वहाँ से मैं उतर करके उस शरीर का जो मोह माया था उसका त्याग करके मैं गुरु के साथ उनकी बातों में लीन हो गया। आज हम लोग चार दोहे का अध्ययन किए, फिर अगले दिन चार दोहे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चियों।